दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आप अपने YouTube चैनल या ब्लॉग के लिए एडसेंस अकाउंट किस जीमेल आईडी से बनाएं, जिससे आपका YouTube चैनल या ब्लॉग है उस जीमेल आईडी से या कोई नया जीमेल आईडी से आप एडसेंस अकाउंट बनाएंगे, तो दोस्तों इसको लेकर अगर आपका डाउट है, आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आपका जो है पूरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने टेक्नो गुरुदेव YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान समझिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एडसेंस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल या ब्लॉग होता है, हम उस पर जो भी कंटेंट डालते हैं उन कंटेंट को मोनेटाइज करके पैसे अर्न करने के लिए, ताकि जो पैसे उनसे बनते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आ सके, इसके लिए जो है हमें एडसेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारा ब्लॉग या यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो भी इनका YPP जो है पार्टनर प्रोग्राम है, उसको जो है ज्वाइन कर लेता है, तो जो है हमको हमारे वीडियो या हमारे कंटेंट से जो है अर्निंग होने लगती है, और वो अर्निंग जो है हमारे बैंक अकाउंट में एडसेंस अकाउंट के थ्रू आती है। तो एडसेंस अकाउंट की जरूरत इसलिए पड़ती है, और वर्ल्ड में जितने भी यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं सभी लोगों को एडसेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जब एडसेंस अकाउंट हम बनाने जाते हैं, हमारा चैनल या हमारा ब्लॉग जब मोनेटाइजेशन के लिए जो है हम अप्लाई करते हैं, तो वहां पर एडसेंस अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम चैनल के जीमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम या क्या जो है बेनिफिट होगा, तो इसको आप जान लीजिए। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको एडसेंस अकाउंट किस जीमेल आईडी से बनाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा YouTube चैनल होता है वो भी एक जीमेल आईडी से ही बना होता है, और एडसेंस के लिए भी हमें एक जीमेल आईडी भी चाहिए। तो जो हमारा YouTube चैनल का जीमेल आईडी है, अगर हम उससे भी एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उससे हम एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम आपको कहेंगे कि आप चैनल के जीमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट ना ही बनाएं तो आपके लिए बेटर होगा। अब रीजन क्या है वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों जो यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी है, उससे तो ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, उसका एक आईडी और पासवर्ड होता है जिसको हमें सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है। उसका आईडी और पासवर्ड अलग हम रखते हैं, तो जो जीमेल आईडी है यूट्यूब चैनल का, अगर हम उसी से जो है अपना एडसेंस अकाउंट भी बना लें तो इसमें तो इशू नहीं है, दोनों लिंक हो जाएगा आपस में, और एक ही जीमेल आईडी से हम यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हैं और अपना जो है एडसेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी हमसे कभी डिलीट हो जाता है, या जीमेल आईडी हैक हो जाता है, या जीमेल आईडी जो है कोई हमारा जो है आईडी पासवर्ड जान लेता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा एडसेंस अकाउंट होगा उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है अपने चैनल या ब्लॉग के जो है जीमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट ना बनाकर आप जो है एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर एडसेंस अकाउंट बनाएं, और उसका पासवर्ड और आईडी जो है अलग रहेगा, और दोनों अलग अलग होने से इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। आप एक जीमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, उससे तो आपका ओपन हो जाएगा, और एक जीमेल आईडी से आपका एडसेंस अकाउंट ओपन होगा। दोनों का जीमेल आईडी अलग अलग रहेगा तो आपका जो है सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको दोनों को जो है याद करके रखना होगा, दोनों जीमेल आईडी को जो है सेफ रखना होगा। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि एक से बनाएंगे तो आपके पास एक ही ताला और चाबी होगी, अगर दो से बनाएंगे तो आपके पास दो ताला चाबी होगी, दो अलमारी होंगी, दोनों में आप जो है अलग अलग ताले चाबी से जो है अपनी अलमारी को बंद और खोल सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए जो है जो एडसेंस अकाउंट आप बना रहे हैं वो किस जीमेल आईडी से आपको बनाना चाहिए, चैनल के जीमेल आईडी से या किसी नए जीमेल आईडी से। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नए जीमेल आईडी से नया एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो भी वो जो है आपके चैनल के साथ लिंक हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि चैनल के ही जीमेल आईडी से बनाएंगे तभी एडसेंस अकाउंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लिंक होगा। आप अलग जीमेल आईडी से एडसेंस बनाकर भी अपने जो है एडसेंस को चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं, और वो जो है परफेक्टली वर्क करेगा। तो दोस्तों आई थिंक कि अब आपका डाउट जो था कि एडसेंस अकाउंट किस जीमेल आईडी से बनाए, चैनल के या किसी दूसरे, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एडसेंस अकाउंट जो है नए जीमेल आईडी से बनाएं या दूसरे जीमेल आईडी से बनाएं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपकी चीज़ें जो है, आपका प्रोडक्ट जो है सिक्योर रहेगा, आप लंबे समय के लिए जो है एडसेंस अकाउंट और यूट्यूब चैनल को जो है सिक्योर करके रख सकते हैं। आपका चैनल कोई हैक भी कर लेगा या जीमेल आईडी कोई चुरा भी लेता है
पासवर्ड आईडी कोई जान भी लेता है तो भी आपका एडसेंस अकाउंट सेफ रहेगा, उसमें जो है छेड़छाड़ कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एडसेंस अकाउंट एक ही बार बनता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, आपने अभी तक अगर मेरा काम नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दोस्तों लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटा आएगा उसको क्लिक करके ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।